whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. Hello and assalamu alaikum friends, kaise hain? Main hoon Wajahat. आज अपनी कल्टस का जो साइड मिरर है ना, वो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. काफ़ी अरसे से वो ख़राब था. आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता होगा कि वो टूट गया था. फिर मैंने उसका जो काबली कवर है वो ब्लैक कलर का मिला. वैसे ही जो VXL वेरिएंट है ना, इसके साथ वाइट कलर का था. तो इतना टाइम ही मेरे पास नहीं मिला कि यार उसको मैं जो हूँ कलर करवा लूँ. तो अभी मेरे जहन में आ रहा था कि यार मैं बजाय कि किसी पेंटर से करवाऊँ, खुद ही कुछ ट्राई मारता हूँ, कुछ उसके ऊपर पेंट वगैरह करता हूँ, देखता हूँ कि कोई निकल के आता है, सही होता है कि नहीं. अगर ना हुआ तो फिर मैं बाद में करवा लूँगा. वैसे मेरा दिल था कि रैप भी करवा लूँ, रैप करवा के देख लूँ कि वो कैसा लगता है. पर मेरा ख्याल है कि पेंट ठीक रहेगा क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग होगा. तो अभी मैं जाता हूँ और पेंट, वो जो स्प्रे पेंट होता है ना, वो लेता हूँ. देखता हूँ कि कुछ दो एक शेड्स में मिल जाए, तो उसके बाद ट्राई करते हैं कि क्या सीन है, कोई अच्छा लगता है कि मैच करता भी है कि नहीं. चले चलते हैं. ये कुछ मेरे पास पेंट पड़े तो हैं जो मैंने वैसे रखे हुए हैं. ये हो गया सिल्वर, क्रोम और ब्लैक. के बाद ये आ गया ट्रांसपेरेंट, क्लियर कोट कह लो. ये भी क्लियर कोट पड़ा है, मतलब क्लियर कोट तो मेरे पास पड़ा है लेकिन वाइट नहीं पड़ा. तो वाइट जो है लाना पड़ेगा. और ये हो गए हमारे रेगमॉल. अच्छा जी, ये भी बहुत सारा स्टॉक पड़ा है. तो ये इसमें मुझे जो चाहिए ना, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है. ये वाला 1200 ग्रेट वाला, ठीक है, सैंड पेपर. ये चाहिए 320 वाला भी पड़ा है. और कौन सा पड़ा है, 220 वाला भी पड़ा है. बस काम हो गया मेरा. मेरे ख्याल 100 वाला भी पड़ा है, नहीं 1000 वाला है, पता नहीं 1200 वाला है. तो यही चीज़ चाहिए क्योंकि ये ना, ये करना है, ये इसको पहले मैं उसको सैंड करूँगा ताकि ना वो जो सिल्वर उसकी जो शाइनिंग है ना वो ख़त्म हो जाए, फिर ये पेंट सही करके चिपकेगा. यही है कम से 5 किलो स्पेस मोटा गया, 10 किलो. कितने का? 200. अच्छा यार, अभी मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि ना रैपिंग शीट भी ले लूँ, पहले वो ट्राई करता हूँ. अगर वो सही लग गई ना मेरे से तो ठीक है, वरना ये पेंट करके देखूँगा. पेंट तो आखिरी हल है, और रैपिंग शीट लग गई तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. ट्राई करते हैं, कोशिश करने में क्या हार्ज है. अभी मैं अपनी दूसरी मार्केट जा रहा हूँ जहाँ से ये रैपिंग शीट लेनी है. लेता हूँ, थोड़ी सी चाहिए. मेरा ख्याल है 2x2 की चाहिए, 2x2 की लेके. तो बस अच्छा, एक ना पिछली वीडियो में ना, जब लॉन्ग रूट की वीडियो बनाई थी ना, यहाँ पे एक साइन आ रहा था कोल्ड स्टार्ट का ना, कोल्ड स्टार्ट का जो आता है वो जो है ना, वो कुछ अरसा रहा है, पता नहीं कुछ था सही थर्मोस्टैट में, कोई था सही इशू, कोई क्लॉक्ड हुआ था या कोई जंग आए होगा जो भी है, क्योंकि वो काफ़ी देर से जा रहा था, जा ही नहीं रहा था. पर अब चला जाता, खुद ही ऑटोमेटिकली सेट हो गया. वरना मेरा दिल था कि थर्मोस्टैट जो है ना मैं उसको चेंज करूँ, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं आ रहा, खुद ही सेट हो गया. वो असल में ये होता है कि गाड़ी खड़ी रहे ना कुछ दिन और फिर उसके बाद चलाओ तो जो है वो स्टक हो जाता है थर्मोस्टैट जो होता है. इस वजह से ना वो स्टक हुआ हुआ था मुझे लगता है. तो इतनी महंगी शीट है, क्या ही बात है. ये जी 4 फुट ली है, 1 फुट चौड़ाई है और 4 फुट लंबाई है. और जी 80 रुपये के हिसाब से लगाई है भाई साहब ने, सही महंगी की हुई है यार, सही लूट रहे हैं संवाद में, सही अमीर है. क्या करें, मजबूरी है, अगर लेनी पड़ती है. सो अभी जो है ना, इसको मैं उतार लूँगा
क्योंकि यहाँ से उतार के ही करूँगा तो तब भी बेटर होगी। और ये रहा पेपर, वैसे मैच तो नहीं कर रहा, ये ज़्यादा वाइट है, ये बिल्कुल शोखा वाइट है, और ये जो है ये वाला जो ये ऑफ वाइट कलर है, इवन सिटी का भी जो है ना ये कलर नहीं है, ये जो वाइट हाल है वाइट नहीं है, ये ऑफ वाइट देते हैं सारे। खैर ये कलर है, करता हूँ देखता हूँ कि कैसा लगता है, लग के कैसा लगता है। ओके ये इसका अपना मिरर, और ये वाला जो है ना मैंने जो काबली लिया था 2000 का, 2000 का सिर्फ ये कवर उतारता हूँ, फिर मैं ना इसको आपको फिट करके दिखाता हूँ। तो कवर मैंने उतार दी है, और ये इस तरह से कुछ हुक्स में फंसा हुआ था, ये आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा जोर अजमाई की है, पता नहीं कोई चीज़ टूटी तो नहीं है, होपफुली कुछ नहीं टूटा, और इसी तरह लगा दूंगा। बाकी ये इसका कवर है, ये 2000 का कवर, सीरियसली 500 का भी नहीं है पूरा। चलें अब जो है मैं शीट लगाता हूँ। तो जनाब जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं, सीज़र कैंची ठीक है, एक अदद कार्ड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है ठीक है, इससे जो है ना मैं इसके बबल्स निकालूंगा, उसको यहाँ पे बिठाऊंगा, और ऑब्वियसली कवर ठीक है, और ये होगी शीट, रैपिंग शीट, हीट गन भी मेरे पास मौजूद है, ये 1200 की आ जाती है, अच्छी वाली थोड़ी सी महंगी वाली आती है, अच्छी वाली ले लें एक ही बार। और ये हो गया सर्फ, शैम्पू ठीक है, ये चीज़ें हैं लगाते हैं देखते हैं कि कैसे लगते हैं। पहले तो मैं नाप लूँ ना कि कितना साइज बनता है इसका, जो सही सा एरिया ना वो काट देता हूँ। ये हमारा मिरर सही है, आए हाय हाय क्या बात है, ये कैसे काटा था कैसे काटा था यार ऐसे था, हाँ ऐसे ही था आई थिंक, ये देखें जी सही है, तकरीबन साफ हो गया, ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है जो कहें आप यार ये गलत लगा रहे हैं, पहली बार लगा रहा हूँ ऐसे ही लगाऊंगा सही करके। ये हो गया, पेपर हमारा नीचे ही चिपक गया। अब जो है हमने कार्ड लेना है, कार्ड से पेस्टिंग करनी है। तो थोड़ा बहुत तो पहुंचा दिया मैंने, इतना एक हो गया, और ये हॉट एयर गन से के बगैर नहीं होता मैं ये, क्योंकि हमने बैंड भी करना था। अब ये जगह रह गई है, ये भी इंशाल्लाह अभी मैं करता हूँ, आई होप सो कि ये हो जाएगा काफ़ी हद तक, कर तो लिए काफ़ी करीब पहुंच गया हूँ लेकिन ये देखें कितना प्यारा लग रहा है यार, बहुत ज़बरदस्त मैंने फिनिशिंग दी है। और लेकिन यहाँ आके ना थोड़ा सा मसला हो गया हमारे साथ, अब ये जो ना रिंकल्स ये मेरे से जा नहीं रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये फट रही है शीट नीचे से, यहाँ पे भी एक डॉट आ गया, तो ये मुझे जो मिशन फ्लॉप की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। कोशिश अभी भी करता हूँ इसको, मैं कोशिश करता हूँ कि हट जाए, पर यहाँ से तो मैंने बहुत अच्छी फिनिशिंग दी है, अभी बस ये जो चीज़ है ना ये रहती है। अब इस अपडेट गाइस यहाँ से मैंने काट दिया है ये चीज़, अब मैं यहाँ पे नई शीट लगाऊंगा क्योंकि ये तो यहाँ से कबाड़ा हो गया इसका, तो यहाँ पे हम नई शीट लगेगी। तो रैपिंग तो मैंने कर ली है ऊपर अच्छी तरह से, आप लोग देख सकते हैं लगता है कि ब्रांड न्यू अभी पेंट करके लाए हैं, लेकिन एक जो ब्लेंडर हुआ है ना ये वाला, ये साइड पे मैंने एक और पेपर काट के लगाया यूँ करके, क्योंकि यहाँ से चुनट आ रही थी, और ये अभी भी हैं थोड़ी बड़ी, लेकिन मोस्टली ये ना मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से फर्स्ट टाइम अगर करूँ तो बेस्ट किया है मैंने, लेकिन ये जो चीज़ है ना मेरा ख्याल है तो ऐसे ही लगा देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं ठीक लगेगा तो
चेक करते हैं। सो ये हो चुका हमारा कवर और ये हम इस तरह से लगा देंगे। अभी लगा नहीं रहा, वैसे देख रहा हूँ कि कैसा लगेगा। क्या बात है भाई, मैच नहीं कर रहा बिल्कुल, पता लग रहा साफ के वाइट, लेकिन नहीं दूर से इतना नहीं पता लग रहा। अब देखें और से, बहुत नज़दीक से अगर देखो ना तो अब कलर थोड़ा सा लग रहा है कि ये जो है सुपर वाइट है और ये जो है ऑफ वाइट टाइप है। वीडियो में भी पता लग रहा होगा। बहरहाल पास फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती तो मैं रहने देता, पर अच्छा नहीं लग रहा इस तरह से। इसको मैं उतारता हूँ और इसके बाद अब मैं पेंट करूँगा नेक्स्ट स्टेप। अब जो है मैं इसको उतार रहा हूँ, चलो एक्सपीरियंस ही सही। इसके ऊपर मैं करवाऊँगा अब पेंट। यार काफ़ी टाइम लग गया ये चीज़ करते करते। ये लग जी, दूसरा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और वो क्या है, वो पेंट है। ओए इसके ऊपर पेंट करते हैं। पेंट तो मैं लाया था, मैंने आपको दिखा दिया था, 200 रुपये की एक बॉटल मिलती है। तो अभी मैं इसको 2000 ग्रिट या 1200 ग्रिट पेपर से बफ करूँगा, ये सैंड करूँगा। ठीक, 1200 ग्रिट पेपर से अब मैं इसको बफ करूँगा। सैंड करने के बाद इसका जो है कलर कैसा निकल आया, ये अब स्क्रैच हो गया है तकरीबन। अब इसके ऊपर ना पेंट सही तरह से ठहरेगा। स्टार्ट करने लगा हूँ अपना पेंट और ये लाया हूँ मूबा का स्प्रे पेंट 512 सफ़ेद कलर, और करते हैं इसको पेंट। ये हो गया लाइट कोट और अब थोड़ी देर बाद मैं इसके ऊपर सेकंड कोट करूँगा, फिर थर्ड कोट करेंगे। तो अब जो मैं करने लगा हूँ तीसरा कोट, क्योंकि दूसरा कोट अच्छी तरह से सूख गया तकरीबन, मुझे मैंने इसको 1.5 घंटे दिया है, और अब मैं दोबारा तीसरा कोट करने वाला हूँ इसमें। पेंट हो चुका है, सुबह हो चुकी है और पेंट जो है अब तकरीबन ड्राई हो चुका है। इसके ऊपर मैं चौथा कोट भी किया था और अब मैं करने वाला हूँ इसके ऊपर क्लियर कोट, और ये सेम ही कंपनी का है, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर करता हूँ, ये जो होता है ना, अब ये शाइन लाने के लिए, अभी इसके ऊपर शाइन एस एच नहीं है, तो ये शाइन के लिए होता है जो आपकी गाड़ी पर भी हुआ होता है। अच्छा जी, क्लियर कोट का जो पेंट है वो भी सूख चुका है और पेंट भी सूख चुका है। अब एक दो स्टेप्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह मैं बाद में कर लूँगा। वो क्या है कि इसको थोड़ा सा मैं बफ करूँगा और इसके ऊपर जो है मैं पॉलिश करूँगा इसको। तो ये छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, मतलब बहुत पेंट के अपने जो एक स्प्रे का इफेक्ट होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन शाइन आ जाएगी इसमें। तो अभी भी आप लोग देख लें, ये लें जी, ये अब मैं यहाँ पर लगाऊँगा तो इस तरह से लग जाएगा। मैं इसको लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। कैसा, ये हो गया जी, हमने खुद ही घर में इसको पेंट कर लिया और अब इसके से पॉलिश होगी तो ओए होए होए। ऑब्वियसली ये जो रंग है ये थोड़ा सा ऑफ वाइट टाइप है, वाइट नहीं होता, ये जो है ना बिल्कुल शाइनिंग वाइट है, लेकिन अगर गौर ना करो तो पता नहीं लगता। अगर आप लोग देखें ना, बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं, तो घर में ही कर सकते हैं। अभी एक दो चीज़ें रहती हैं, यहाँ पे एक स्क्रैच लगा था, इसके ऊपर मैंने जो है ना मार्कर मिलता है ना, जो रिमूवर कह लें, उससे जो है ना मैंने इसको फिलिंग कर दी थी, वरना ये ब्लैक था। इसको जो है ना अच्छे से जो इसकी फिलिंग कर सकता हूँ मैं, उसकी भी कोशिश कर सकता हूँ। पीछे भी एक मार्क है, वो कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा है, ये बफ हो जाएगा, ये जो है ना कह लो के जो कंपाउंड है ना उससे चला जाएगा ये स्क्रैच जो है। बाकी छोटे मोटे चीज़ें हैं, ये स्क्रैच जो है ना ये कंपाउंड से चले जाते हैं। इसको जो है ना, इसको अगर मैं इसको ख़त्म करूँ, इसको पहले सैंड करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर फिलिंग करनी पड़ेगी, तो थोड़ा लंबा काम है, लेकिन हो ये भी सकता है। और एक के पीछे वाला है स्क्रैच जो पहले आया था, मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो इसके ऊपर भी मैं इसको फिल कर दूँगा। फिलहाल ये आज की वीडियो में किया था टेस्टिंग, की है। आई होप सो कोई अच्छा ही गुजर गया।
सो ये थी वीडियो, वीडियो का नाम करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।